यहाँ पे एक सेकेंडरी क्वेश्चन आ गया जो मेरे जहन में भी आपसे गुफ्तगू के बाद आया। माशाल्लाह आपसे गुफ्तगू से भी मेरे बहुत सारे दिमाग के दर खुलते हैं। आपने एयरपोर्ट के बारे में जिक्र किया तो मेरे जहन में एक और जमीनी सवाल आ गया। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सिस्टम आजकल बहुत एडवांस हो रहे हैं। सही। अभी पिछले दिनों मैंने एक वो देखा, टेक्नोलॉजी का वो था, एक शो था, उसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी की फुल बॉडी स्कैन का उन्होंने मशीन दिखाई। अब ये बताइए कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, जाती तौर पे सच्ची बात यह है कि मर्द हो या औरत, मुझे तो ये फुल बॉडी स्कैन मुझे बड़े दिल को तकलीफ हुई है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी मैंडेटोरी सिचुएशन आ जाती है, मुसलमान औरत है, बाहिजाब है, इज्जतदार औरत है, उसको कहा जाता है कि ये फुल बॉडी स्कैन की मशीन से गुजरो, तो क्या करेंगे वहां पे? ये बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है और मैं मुझे पूछते हुए भी बड़ी उलझन सी महसूस हो रही है, लेकिन ये दिन आने वाले हैं। बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। असल में बात हुई है कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर सिक्योरिटी रिस्क का जो एक नारा लग गया है और हकीकत है दहशतगर्दी का इफरीत हर तरफ जो है वो छा गया है, तो ऐसी सूरतेहाल पैदा हो जाती है कि वो जो पूरी बॉडी को जो स्क्रीनिंग करे, और बॉडी स्क्रीनिंग मेरा ख्याल एक्सरे की तरह होती है, उस पे एक्चुअल जो इंसान की बॉडी की वो खदोखाल तो नजर नहीं आते, वो तो पूरे लिबास से गुजरती है, लेकिन वो एक्सरे की तरह की एक चीज है। तो उसमें चूंकि अगर ऐसी जरूरत पेश आ गई और ये मजबूरी लायक है और सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया जाए, तो ऐसे हालात हुए हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके ने जो एक खातून को जो चीज के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो खत जो है वो खत लेकर एक खातून जा रही है, जल्दी से खत पकड़ो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला पहुंच गए और उनको पकड़ लिया कि भी खत दो। वो जब मान नहीं रही थी तो आपने उसको जो है वो उसके कपड़ों में से निकाला उस खत को। अच्छा। क्योंकि एक सिक्योरिटी का मामला था और वो खत एक साहबी ने भेजा था कि वो ये कहना चाहते थे कि मैं मक्का के अंदर उन लोगों पर एहसान कर दूं ताकि वो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल करें, तो उस वक्त थोड़ी सी उन्होंने थोड़ी सी यहाँ की खबर रसानी कर दी थी। तो खातून को पकड़ा तो आपने उनको खातून को हजरत अली नंगा किया और खत उससे वसूल किया। तो क्या कि ऐसी जो बिल्कुल रियल सिचुएशन हो जाती है जहां मुल्की मामला आता है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, तो ऐसी अगर सूरतेहाल पेश आ जाए तो करना पड़ता है। तो जिस पर ये जो विक्टिम होगा तो वो तो शरण मजबूर है, और मजबूर जो है वो तो अल्लाह के यहाँ माजूर है, और माजूर अल्लाह के यहाँ माखूज नहीं होगा, उसका कोई गुनाह नहीं है। और फिर जैसे मैंने बताया कि वो एक्सरे की तरह की एक वो स्क्रीनिंग है, तो उसमें एक्चुअल खदोखार का तो पता लगता भी नहीं।